क्षेत्र के प्रजापति जागरूक सभा के प्रदेश अध्यक्ष व मिट्टी कला बोर्ड के सदस्य राजकुमार रनबा ने कहा कि 16 जुलाई को कुमार धर्मशाला में आयोजित दक्ष प्रजापति धर्मशाला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धर्मशाला को 22 लाख देने व किरमिच रोड पर दक्ष प्रजापति चौक बनाने की बात कही है। इसको लेकर वे मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं, लेकिन समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने एससी समाज में शामिल होने की मांग रखी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बैकवर्ड ना बनकर फॉरवर्ड बने। रनबा ने कहा कि समाज के लोग फॉरवर्ड तो तभी बनेंगे जब प्रथम व द्वितीय श्रेणी में नौकरियां मिलेंगी व राजनीति में भरपूर भागीदारी मिलेगी। रनबा ने कहा कि मुख्यमंत्री को 10 मांगे रखी थी, लेकिन एक भी मांग मुख्यमंत्री ने पूरी नहीं की है। इसको लेकर समाज के लोगों में मुख्यमंत्री के प्रति काफी रोष है। रनबा ने कहा कि 1947 में तत्कालीन सरकार द्वारा आवे पंजावे की 2 व 5 एकड़ जमीन देने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन 22 वर्ष बीत जाने के बाद भी कुमार समाज के लोगों को आवे पंजावे की जगह नहीं मिली। रनबा ने कहा कि कार्यक्रम में इस मांग को पूरा करवाने के लिए पूर्व राज्यसभा सदस्य रणबीर गंगवा की जिम्मेवारी लगवाई, लेकिन इससे पूर्व भी मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव राजेश खुल्लर की ड्यूटी लगाई थी। बीते कई वर्षों से मिट्टी कला बोर्ड भी इस मांग को उठा रहा है, लेकिन कुमारों को जमीन नहीं दी गई। रनबा ने कहा सरकार से मांग करते हुए कि कुमारों को जल्द से जल्द 2 से 5 एकड़ जमीन हर गांव में आवे पंजावे के लिए दी जाए। हम नई व्यवस्थाएं शुरू कर रहे हैं। परिवार पहचान, अभी तक व्यक्तियों की पहचान उनके आधार कार्ड से होती है, लेकिन परिवार की एक इकाई जिसका पहचान तो यही है। हरियाणा में कितने परिवार हैं, परिवारों की स्थिति क्या है, उनके पास आय कितनी है, उनके पास कितनी एसेट्स है, किसकी जरूरतें क्या है। 48 घंटे के अंदर आपके घर में व्यवस्था से पहुंच गए। दी जा रही है, इसका हमको लाभ उठाना चाहिए, कहीं पीछे नहीं रहना चाहिए। एक बात और वो मांगों के साथ जुड़ी हुई है। हमेशा आदमी की इच्छा बैठे हुए सोचना समझना, एक मांग ऐसी इस पर रखी हुई है जो आपको पीछे ले जाएगी, आगे नहीं बढ़ने देगी। बता दो कौन सी होगी, मंचौले में बताना, ये बताना, खड़े होकर जोर से बोलो। एससी को शामिल करने वाली ये पीछे रहने वाली है, मंजूर करो। अरे विषय नहीं है, मंजूर करो। ये इसी से एससी जाने वाली मांग पीछे हटने की है कि आगे बढ़ने की है? ये आगे बढ़ने की है, वो लोग क्या कह रहे हैं? अरे आप ही तो लोग कह रहे हैं जी। गरीबों को आगे बढ़ाना है, लेकिन हम अगर अपने जातियों के हिसाब से किसी आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटने की बात कर रहे हैं, शब्द है बैकवर्ड के फॉरवर्ड। बैकवर्ड आगे होता है, फॉरवर्ड आगे होता है, फॉरवर्ड आगे होता है, और हम तो बैकवर्ड से पीछे की डिमांड कर रहे हैं। सोचो, सोच समझ के बात करो। गुरुदक्ष प्रजापति के समारोह में हमारे मुख्य अतिथि श्री मनोहर लाल खट्टर जी थे, जो ये समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया और इसमें सभी हरियाणा के लोग आए हुए थे। जो मुख्यमंत्री जी से हमारे समाज ने 10 मांगे रखी थी, जिनमें से मुख्यमंत्री जी ने 2 मांगे अपनी तरफ से कहा, भी एक तो गुरुदक्ष प्रजापति चौक और एक सीवरेज के बारे में। जो ये मांगे हमारी बहुत पुरानी थी और 22 लाख रुपया जो मुख्यमंत्री ने दिया है इसका और इस सीवरेज बनाने का हम धन्यवाद करते हैं, परंतु जो हमारी जायज़ मांगे थी उनमें से मुख्यमंत्री जी ने कोई भी पूरी करने के लिए नहीं कहा। उस पर कहा मैं विचार करूँगा,
और विचार करने की बात यह है जो हमारे समाज ने एससी के बारे में शामिल होने के बारे में कहा था, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा भी नीचे नहीं ऊपर चलो। ऊपर तो हम तभी जाएंगे जब हमको आरक्षण में 27% 16+11 के हिसाब से हमें राजनीति में और फर्स्ट और सेकंड क्लास की नौकरी में भागीदारी मिलेगी, तभी हम ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि दो तरह की भूख होती है, एक तो पेट की भूख और एक मन की भूख। पेट की भूख पैसे से मिट सकती है, मन की भूख मान सम्मान से मिटती है। मान सम्मान जब मिलेगा तो हमारा समाज उन्नति करेगा। तो इसलिए हमें जो मांगे हमारी जायज़ हैं, मुख्यमंत्री जी इस पर गौर फरमाए। और जो ज़मीन के बारे में मुख्यमंत्री जी से भी कहा भी हमें जो ज़मीन 1997 से लेकर 2007 और 2014 में इसके देश जारी किए गए थे और उसमें लिखा गया था भी कि इनको मालकाना हक कुमारदाना के नाम दिया जाए, जबकि आज तक हमारे को कोई ज़मीन थोड़ी बहुत ही मिल रही है और वो भी ज़मीन जो पंचायत आती है कभी छुटवा लेती है तो उनके झगड़े चल रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने 1/5/17 से पहले मुख्य सचिव राजेश खुल्लू जी को मीटिंग लेने के लिए कहा था, जिसने हमारी मीटिंग ली थी बोर्ड की और उसने कहा था भी 1 महीने के अंदर मैं रिपोर्ट मंगा के इसकी कार्रवाई कर दूंगा। और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ श्री रणबीर सिंह गंगवा की ड्यूटी लाई है भी, वो रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट तो पहले ही आ चुकी है, अब तो मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इसके आदेश जारी करके इन लोगों को जगह दिलाई जाए ताकि गरीब लोग को अपना रोजगार मिल सके। इस वजह से मैं मुख्यमंत्री जी से दोबारा फिर प्रजापति समाज की तरफ से अनुरोध करता हूँ कि इन पर पुनर्विचार करके इनको शीघ्र इन मांगों को लागू किया जाए, ताकि हम काफ़ी लोगों में रोष है इस बात का, क्योंकि मुख्यमंत्री से आस लगाए बैठे थे कि मुख्यमंत्री जी हमें विशेष तोहफा दे के जाएंगे हमारे प्रजापति समाज को, जबकि प्रजापति समाज ने पहले चुनाव में भी इनकी सरकार की बनाने में पूरी मदद की और लोकसभा चुनाव में भी पूरी मदद की, जबकि 10 की 10 सीटें जितवा के यहाँ से लोकसभा में भेजा गया है। तो मैं तो यही कहूँगा भी हमारे समाज को जो रोष है उसको दूर किया जाए, और वो रोष कभी दूर हो सकता है जब उनको जगह मिलेगी और उनके हक मिलेंगे। तो रंबा साहब आपका परिचय? राम कुमार रंबा, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा पिछड़ा वर्ग और सदस्य हरियाणा मिट्टी कला बोर्ड। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।